ये है बकरी का दूध, थिंक जिंदगी के अंदर पहली बार, ये है माँ का प्यार दोस्तों, कितना प्यारा है ये ऊटनी का छोटा सा बच्चा। हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग, और आपको मैं दिखाने लग रहा हूँ इस वीडियो के अंदर राजस्थान का लाइफस्टाइल। और कुछ बच्चे देखो पेड़ के ऊपर चढ़े हुए हैं, और ये नज़ारा आप देख सकते हो, ऐसे ऐसे नज़ारे आपको राजस्थान के अंदर ही मिलेंगे। तो चलिए बात करते हैं, यहाँ पे आए सर, आपका क्या नाम है? समदर सिंह। देखो समदर सिंह है, काफी बड़ी बड़ी मूछें हैं इनकी। आपका गांव कौन सा है? देव। नागौर जिला, नागौर जिले से है, देव गांव है। और ये आपके सारे पोते हैं? ये देखो दोस्तों, नाम क्या बेटा? जीतू नाम है आपका नाम। और ये आप पीछे इतनी बड़ी बड़ी, देखो ये इतनी बड़ी चोटी रखी हुई इसने, देखो। और ये आपकी बकरियां, कितनी बकरियां हैं सर आपकी? 8-10 बकरियां हैं। नमस्ते आंटी जी, आपका क्या नाम है? दरिया कुमार। तो आप यहाँ पे क्या करने के लिए आए हो, बेसिकली क्या करने के लिए आए हो आप? चारा बकरियां। अच्छा, बकरियों को चारा खिलाने के लिए आए हो। तो दोस्तों ये बोल रहे हैं कि ये सारे के सारे बकरियों को चारा खिलाने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं, और यहाँ पे इतने बकरियों को चारा खिलाएंगे, देखो बच्चों की मौज मस्ती आप देख सकते हो, बच्चे पेड़ पर चढ़े हुए हैं। और हमने जब दूर से ये नज़ारा देखा तो इस नज़ारे ने हमें खींच लिया, और वीडियो बनाने पे हमें किया मजबूर। कितने घंटे बकरी चराते हो आप? सुबह से शाम? पूरा दिन तड़की में थोड़ा सा घर बांधना, शाम का सुबह चरावा दो। अच्छा, सुबह और शाम दो टाइम आप चराते हो बकरियों को? ठीक है, तो दूध भी पीते हो बकरियों का? कितना एक बकरी कितना दूध देती है एक दिन में? आधा किलो पाव। अच्छा, आधा किलो से एक किलो एक बकरी दूध देती है। देखो दोस्तों आपको मैं दिखाता हूँ, फिलहाल बकरी की जो लोटी है ये दूध से भर चुकी है, आपको दिखाता हूँ दोस्तों मैं। देखो ये जो बकरी है अभी इसका दूध निकाला जाएगा, तो अभी इस बकरी का दूध निकाल दिखा सकते हो मेरे को? दिखाना थोड़ा दूध निकाल के। दोस्तों अभी जो बकरी मैंने आपको दिखाई है जिसकी लोटी दूध से भर चुकी है, अब उसका दूध निकालेंगे। और देखो दोस्तों अब ये जो ये लेडीज है, ये इस जो झाड़ी इसको झाड़न लग रही है, जो भी इससे पत्तियां पड़ेंगी उसको ये भेड़ बकरियां देखो खाएंगी। ये बुलाने का तरीका है दोस्तों, कि जिस बकरी का दूध निकालना है वो उसको बुलाया है इन्होंने, ताकि ये उसका दूध निकाल सकें। लगभग हर बकरियां आई थिंक दूध के लिए तैयार हो चुकी हैं, दूध देने के लिए 5-7 बकरियों कम से कम हैं यहाँ पे जो दूध देने के लिए अभी रेडी हैं। अब अभी आपको दिखाते हैं दोस्तों कि बकरी का दूध कैसे निकलता है और कैसा होता है। देखो दोस्तों इन्होंने बकरी को पकड़ लिया है दोस्तों, और अभी ये दूध निकाल रहे हैं। देखो कितना सटीक है, बोतल की जो ओपनिंग है बोल नैरो है, और फिर भी उसी ओपनिंग के अंदर ये दूध इकट्ठा कर लग रहे हैं, काफी प्रैक्टिस है। ये देखो दोस्तों ये है बकरी का दूध, ये निकाला है ना, निकाला बहुत बढ़िया। तो आंटी जी आप ये बताइए, ये दूध टेस्ट कैसा होता है, इसका दूध पीने में कैसा होता है? मीठा है। मीठा होता है, थोड़ा पी के देख लूं? हाँ, भले पियो। थोड़ा पी के देखते हैं कि बकरी का दूध कैसा होता है। आई थिंक जिंदगी के अंदर पहली बार मैं बकरी का दूध पीने लग रहा हूँ। वाकई में टेस्टी बहुत है, जबरदस्त टेस्टी। और आप देख सकते हो दोस्तों ये बकरियां हैं बिल्कुल हरी पत्तियां, जड़ी बूटीदार पत्तियां खाने लग रही हैं, और इसका दूध अगर मिल जाए ना तो उसके क्या कहने है ना। जबरदस्त टेस्टी, मतलब अगर पहले नंबर पे अगर मैं काउंट करूं तो बकरी का दूध जबरदस्त होता है। इसका दूध आई थिंक बीमारी के अंदर भी काम आता है। हाँ। कौन कौन सी बीमारी के अंदर काम आता है? सब बीमारी में काम आवे, सब बीमारी में बहुत अच्छा रहता है। तो आप पीते हो बकरी का दूध? पीते हो डेली? नहीं तो अगला ही पिया। आपकी उम्र कितनी है?
60 साल और अभी भी आप हट्टी कट्टी हो, बहुत बढ़िया। देखो दोस्तों कितना जबरदस्त निराला नजारा रहता है राजस्थान के अंदर, घूमते रहते हैं और जड़ी बूटियां खाते रहते हैं और उनका ये दूध पीते हैं, काफी मजा है इस लाइफस्टाइल के अंदर। कितना शानदार प्यारा बच्चा है, ऊटनी का छोटा बच्चा। ये देखो दोस्तों हमें देखते ही देखो ये क्या कर लग रहा है। इधर से आपको दिखाता हूं दोस्तों, कितना प्यारा है ये ऊटनी का छोटा सा बच्चा। कितने दिन का है ये बोल रहे हैं कि 10 दिन का है ये ऊंट है, ऊटनी ऊंट, ये ऊंट है दोस्तों, मेल है ये। और देखो इसको हमें देखते ही इसकी जो माँ है देखो वो खड़ी हो चुकी है और इसकी तरफ आने लग रही है, उन्होंने सोचा ये मारेगा तो नहीं। और हमें देखते ही दोस्तों देखो इसकी जो माँ है वो इसके पास आ चली है, क्या पता उसको मारते। इसको देखो दोस्तों बांध रखा है और बांधने का तरीका आपको दिखाता हूँ दोस्तों, पैरों में रस्सी बांध रखी है दोस्तों देखो, और देखो ये इसकी माँ आ चुकी है दोस्तों, देखो ये है माँ का प्यार दोस्तों। तो मुझे देखते ही इन्होंने खतरा फील किया और इसको देखते ही फिर इसकी माँ मेरे पास आ गई है। तो दोस्तों देखा आपने कि किस तरीके से जब एक छोटे बच्चे को नज़दीक कोई भी चीज़ आती है तो उसकी माँ किस तरीके से उसकी तरफ भागती भागती आ जाती है। और आपने नज़ारा देखा, एक ऊँटनी अपनी छोटे बच्चे के पास आई और आपने छोटे से बच्चे को देखा, तो ये नज़ारा आपको राजस्थान के अंदर देखने को मिलेगा, मेरे प्यारे भारत के अंदर ही देखने को मिलेगा। इसलिए बोलते हैं भारत देश महान, भारत देश महान। ठीक है ताऊ जी, ठीक है ताई जी, काफी अच्छा लगा आपसे मिलके, बाय बाय टाटा। तो मैंने टाटा किया है। तो दोस्तों इसी तरीके से मैं पूरा का पूरा जो भारत घूमता रहता हूं और आपको हर वो चीज दिखाता हूं जिसके लिए भारत जाना चाहता है। अगर आप पूरे भारत को फील करना चाहते हैं थ्रू माय वीडियो, तो दोस्तों मेरे चैनल को आप करें सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।